छत्तीसगढ़ की बेमित्रा पुलिस ने 1,64,00,000 की लूट में नया खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के बाकी 16,00,000 रुपए भी बरामद किए हैं, जिसे कैश वैन के इंचार्ज और उसके पार्टनर ने एटीएम मशीन के भीतर छुपा कर रखा था। लेकिन पुलिस को चकमा देने की ये साजिश ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट देखिए। बेमित्रा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कैश वैन लूट के आरोपियों का पर्दाफाश। 1,64,00,000 रुपए की लूट में थे वांटेड। पुलिस ने बरामद किए 1,22,00,000 रुपए। छत्तीसगढ़ की बेमित्रा पुलिस ने कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए की लूट के केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक लूटे गए 1,22,00,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जिसमें से 80,00,000 रुपए आरोपियों की गिरफ्तारी के वक्त ही बरामद हो गए थे, जबकि लूट के दूसरे दिन एक खेत से कुछ रुपए मिले थे। अब 16,00,000 की बरामदगी अन्य आरोपियों की निशानदेही पर हुई है। डीजी सर के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं इस पे। अभी कल जब हमको SBI का वीडियो फुटेज मिला, हमने देखा तो उसमें पैसा पेटी के अलावा बैग में रखना मिला। जब हमने प्रार्थी से पूछा तो उसने बैग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। जब बैग के विषय में हमने डिटेल में पूछताछ की और उसको वीडियो दिखाया, तब फिर वो टूट गया और उसने फिर बताया कि हाँ, बैग में मैंने फिर पैसे रखे थे, जो कि मैंने रिपोर्ट में भी नहीं लिखा है ना इसमें बताया, और इसे मैं ATM में ले जाकर रखा हूँ, मैं आपको बरामद करता हूँ। उससे हमने ATM से उसके पास से पैसे बरामद। पुलिस की गिरफ्त में आए ATM वैन के इंचार्ज संकल्प शर्मा और उसके पार्टनर पूनाराम लहरे ने 16,00,000 रुपए ATM मशीन के अंदर छुपा कर रखे थे। जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज बाहर आ गया और बड़ी रकम हाथ लग सकी। और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार करके न्यायिक जिम्मा में भेजा गया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई? हाँ, पुलिस को इसने गुमराह करने की कोशिश की। पिछले 5 दिनों में इसने कभी नहीं बताया कि ये पैसे मैंने अलग रखे, वो तो वीडियो फुटेज की मदद से हमको जानकारी हुई कि कुछ पैसे इसने बैंक में। ये 16,00,000 रुपए की जब ये एक चीज है हमारी, जब सर्चिंग चल रही थी पैसे को लेके और उस समय, तो ये हमारे सीनियर अधिकारी के पास 2-3 बार आजू बाजू गया। वारदात बेमित्रा के खांसरा चौकी इलाके में हुई थी, जहां तरिया मोड़ के पास से गुजर रही कैश वैन को कार सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दे डाला। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जब रुपयों से भरी कैश वैन अतरिया मोड़ से गुजर रही थी, तभी वैन के सामने का टायर अचानक से पंचर हो गया और गाड़ी रुक गई। तभी गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और गनमैन बाहर निकले और ड्राइवर टायर बदलने लगा। इसी दरमियान एक होंडा सिटी कार में सवार 4 नकाबपोश बदमाश उतरे और बंदूक की नोक पर गनमैन और ड्राइवर को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाशों ने कैश वैन से 1,64,00,000 रुपए लूट लिए और गनमैन का हथियार भी साथ लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी करके उसी शाम को 4 आरोपियों को दबोच लिया था, जिनके कब्जे से 80,000 रुपए भी बरामद किए गए थे। वहीं लूट के दूसरे दिन खेतों से 28,00,000 रुपए बरामद किए गए थे। तब से लेकर अब तक चल रही पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बाकी के 16,00,000 रुपए का भी पुलिस ने सुराग ढूंढ निकाला है। थोड़ा सा शक जा रहा हुआ कि ये क्यों बार बार आ रहा है, फिर भी हम इस पर थोड़ा सा बात करने लगे और कल वीडियो फुटेज जब मिला और उसकी जांच की तो ये बातें और क्लियर सामने आ गई, जिसके बाद हमने इससे थोड़ा सा सख्ती से पूछा कि इसने 16,00,000 रुपए जो इसने अलग रखे थे उसे हमें जब्त कराए हैं और इसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस सनसनीखेज लूट से पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है और आनंद फानंद में पुलिस की कई टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई है, जिसके चलते बहुत कम वक्त में सभी 4 लुटेरों को दबोच लिया गया है, जबकि आज ATM मशीन में छुपाकर रखे गए 16,00,000 रुपए भी बरामद हो गए हैं। पुलिस की सफलता को जिले में लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। हवालात के लिए बेमित्रा से दिलीप साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक ऐसे शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश